हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो कल के दिन आपको मैंने एसटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, जो कि एक न्यूज़ आई थी कि 1000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है, जिसकी वजह से इसके जो 2 मेन हेड हैं इंडिया के वो पकड़े गए हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही सेम न्यूज़ तो नहीं बताने वाला, लेकिन आपको इन डेप्थ में ले जाने वाला हूँ कि आखिर चल क्या रहा है एसटीए के साथ। एसटीए का जो स्कैन है, एसटीए का एक्सचेंज है, एसटीए की वेबसाइट है, इसके ऊपर क्या क्या छानबीन मैंने खुद अपने तरीके से करी है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आप भी इस चक्कर में ऑलरेडी फंस चुके हों, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है कि अभी इसको बाय करना चाहिए या पहले जो बाई गए उसको होल्ड करके रखना चाहिए, या फिर सेल ऑफ करके ही आपको एक सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। तो मैं आपका ये जो डाउट है ना, मैं इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बहुत डीपली चीज़ें बताने वाला हूँ जो शायद आपको किसी भी आपके लीडर ने, आपके किसी भी मेंटर ने नहीं बताई होगी। आप किसी भी इवेंट में गए होंगे, वहाँ भी किसी ने ये चीज़ क्लियर नहीं करी होगी। मैं आपको सब कुछ बहुत डीपली क्लियर करने वाला हूँ एसटीए के बारे में। एंड हो सकता है कि बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद भी ना आए कि मैंने यहाँ पे इतना डीपली क्यों हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि ये सारी टेक्निकल चीज़ें आपके साथ कोई भी डिस्कस नहीं करने वाला है। अगर आप सिर्फ MLM में एज ए लीडर जा रहे हैं, एज ए टीम मेंबर जा रहे हैं, यानी कि खुद आप एक नेटवर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो शायद आप वहीं तक सर्च कर पा रहे होंगे कि इसमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, डेली बेसिस क्या प्रॉफिट मिल रहा है, आपके लीडर ने प्रॉफिट क्या अर्न किया है। लेकिन इसमें रिस्क कितना ज़्यादा है वो मैं आपको यहाँ पे डीपली बताने वाला हूँ, कि यहाँ पे जो आगे चीज़ दिख रही है वो कुछ और है और जो पीछे चल रहा है वो कुछ और है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप तक बाकी जो ऐसी वीडियोस आएंगी आपको अलर्ट करने वाली या फिर आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली वो भी सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एक टाइमली एक्शन लेकर अपना कम से कम प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कम से कम लॉस तो सेव कर ही लें। और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं सारी अपडेट सबसे पहले डालता हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक पॉजिटिव चीज़ बता देता हूँ। सबसे पॉजिटिव चीज़ जो है एसटीए की है वो ये है कि एसटीए का इतनी बड़ी जो न्यूज़ आई, अपडेट आई, इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत से लीडर्स पीछे हट गए। अभी बहुत सी जो एसटी की, मैं आर्मी की तरह आर्मी बोलूँगा, जैसे कि शिव आर्मी है, डॉज आर्मी है, कि जो एसटीए की टीम है या आर्मी है वो सारे के सारे अभी भी मोटिवेटेड हैं, या फिर वो इस चीज़ को सामने लाने ही नहीं चाहते, वरना वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ जवाब दे चुके होते, जिस कारण अभी भी एसटीए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैं अनडाउटेडली यह बोलूंगा एसटीए अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले एक दिन के अंदर लगभग 15-20% का प्रॉफिट भी मिला है, अगर कुछ लोगों ने इसको कम प्राइस पे बाय किया होगा जब इसका प्राइस एकदम से ड्रॉप हुआ था। हालांकि अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आपका प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन वॉल्यूम 24 घंटे के अंदर 50% से ज़्यादा नीचे गिरे हैं। तो एक चीज़ पॉजिटिव ये होगी। दूसरी पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसकी जो वेबसाइट है उसी तरीके से चल रही है। आज से पहले मैं फ्यूचर मेकर की बात करूं, या फिर ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं, जब भी उनके ऊपर ऐसा कुछ एक्शन लिया गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, तो सबसे पहले उनकी वेबसाइट डाउन करेगी। वेबसाइट डाउन करने के साथ साथ जितने भी फंड्स हैं उनको सीज किया गया। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो क्रिप्टो करेंसी इतना आसान नहीं है, और वेबसाइट जो है वो टोटली अलग तरीके से चल रही है, और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग तरीके से चल रहे हैं। अब जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना, वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं ताकि आपको चीज़ें डीपली समझ आएँ। एंड हाँ, पीछे करके दोबारा सुनिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। तो जिस कारण इसकी वेबसाइट भी डाउन नहीं हुई है, कॉइन अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इसका ट्विटर जो है, ट्विटर हैंडल, इसके ऊपर भी उसी तरीके से अपडेट आ रही है। ट्विटर के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे क्या इन्होंने अपडेट किया है, आफ्टर न्यूज़ क्या अपडेट किया है, वॉन्ट टू अर्न गुड इनकम इन दिस फास्ट लाइफ, सो इन्वेस्ट इन एसटीए ब्लॉकचेन टुडे। यानी कि इस ब्लॉकचेन में आप इन्वेस्ट करो और उसके बदले में आपको डेली प्रॉफिट मिलेंगे, $20 से लेकर $3,000 डेली का दावा यहाँ पे किया गया। इसी के साथ यहाँ पे एक और पोस्ट आई है, हाउ टू इंक्रीज इनकम, ये कुछ आज के दिन ही ये सारी पोस्ट डाली गई थी। यानी कि सभी लीडर्स को, नेटवर्कर्स को मोटिवेट करने की कोशिश करी जा रही है। अब हम चलते टेलीग्राम के ऊपर आप यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ पे 5 तारीख को इन्होंने ये डाला कि ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटी एंड लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आवर टीम इज फोर्स टू सस्पेंड द चैट। यानी कि इन्होंने जो चैट है वो इनके ऑफिशियल ग्रुप में इन्होंने बंद कर दी है। अब यहाँ पे दो तीन ग्रुप हैं, एक इंग्लिश में है, एक चाइनीज़ में है, और मैसेजेस लगभग सारे रिपीटेड मैसेजेस हैं, यानी कि सेम मैसेजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो एयर ड्रॉप चल रहा है, पहले हम एयर ड्रॉप से शुरुआत करेंगे, फिर इसके जो मेन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर चलेंगे। एयर ड्रॉप के ऊपर चलते हैं, तो एयर ड्रॉप का लिंक इसी में मैंने देखा टेलीग्राम के ऊपर जो दिया गया, शायद आपने भी इसमें चेक किया होगा। तो इसमें क्या दिया गया कि आप इस वेबसाइट के ऊपर जाते हो, ICOmarks.vip, इसके ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा लिंक यही खुलता है कि आपका एसटीए सामने आएगा। यहाँ पे आपने वॉलेट कनेक्ट करना है और आप एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और लगभग यहाँ आपसे लगभग $1.5 गैस फी कलेक्ट करी जा रही है, और बताया जा रहा है कि आपको $5,000 तक के गेन मिल जाएंगे सिर्फ इतनी सी गैस फी पे करने पर। यानी कि आपके लिए एयर ड्रॉप है, और ये 30 सेकंड के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कितना एयर ड्रॉप बनता है।
अब ये चीज़ क्लियरली मुझे नहीं समझ आई, क्लियरली मुझे पसंद भी नहीं आई कि ये बिल्कुल गलत है कि आप इस तरीके से इसके ऊपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप अपना जो छोटा मोटा अमाउंट भी है लगा रहे हैं, अगर कल जो बताया गया था, जो न्यूज़ में बताया गया था कि 2 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, तो आप सोचिए कि 2 लाख अगर एक $1, $2 जितना भी लगाते हैं या फिर इसमें सिर्फ फीस के नाम पर देते हैं या पे करते हैं, उससे देखिए कितना बड़ा अमाउंट इकट्ठा हुआ होगा। वो इकट्ठा हुआ है, लेकिन श्योरिटी क्या है, एयर ड्रॉप मिला या नहीं मिला? आप अगर ऑलरेडी एयर ड्रॉप ले चुके हैं, नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी क्लैरिटी मिले कि हाँ, या फिर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी क्लैरिटी मिले कि एयर ड्रॉप मिला है। तो ये चीज़ सामने है। अब इसी के साथ अगर मैं इसकी मेन वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, एयर ड्रॉप वाली, तो इसके ऊपर बार बार अगर मैं मेन वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ तो बार बार पेपे ही खुल रहा है, यानी कि पेपे का आप क्लेम करो कि आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलेगा। लेकिन इसका जो इंटरफेस है बिल्कुल सेम दिख रहा है। सेम कहने का मतलब यहाँ पे टाइम लेफ्ट वही दिखाता है, 34 मिनट मुझे जैसे दिखा रहा है, यही सेम टाइम दिखा रहा है पेपे पे, यही सेम टाइम दिखा रहा है एसटीए पे, और प्रोग्रेस 85% यही सेम उस पर दिखा रहा है और इस पर भी सेम दिखा रहा है, और 2.5 लाख USD का एस्टिमेटेड वॉल्यूम, यानी कि लगभग सब कुछ सेम है, सिर्फ नाम चेंज किया गया। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल ही फिशी सी लगी है, यानी कि फॉर श्योर इसमें कुछ गलत है। तो इसमें मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। अब हम चलते हैं इसके मेन वेबसाइट के ऊपर, stoken.io के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट माइनर के ऊपर हम चलते हैं, तो कुछ यहाँ पे खुलता नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको जो दिखानी है वो ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है पैनकेक स्वैप। आई थिंक ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तो एटलीस्ट इनको इतना पता होना चाहिए कि पैनकेक स्वैप नहीं होता, ये पैनकेक स्वैप होता है। क्योंकि अगर हम इसके ऊपर क्लिक भी करते हैं, क्लिक करने पर भी pancakeswap.finance खुलता है, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज खुलती है, और वैसे भी वही खुलनी चाहिए। और क्योंकि पैनकेक के नाम से कोई भी ऐसी वेबसाइट आई नहीं है, ना ही कोई ऐसा डेक्स आया है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देखी है कि यहाँ पर जो छोटी छोटी मिस्टेक्स ऐसी करी गई हैं, और यहाँ पर टोटल सप्लाई बताई गई है 21 करोड़ की, टोकन प्राइस बताया गया $1 मेन वेबसाइट के ऊपर, यानी कि इसको अपडेट नहीं किया जा रहा, ये पुराना प्राइस है, ये बिल्कुल पुराना प्राइस बताया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि एसटी टोकन की वैल्यू ऊपर नहीं गई है, इसकी वैल्यू 4 महीने पहले $3 को भी क्रॉस करी थी, यानी कि अगर हम ऑल टाइम हाई देखते हैं एक साल का, तो वो $3 तक गया था, लेकिन इस वक्त उससे 90% वॉल्यूम नीचे चल रही है। तो एक्चुअल में वॉल्यूम तो लगभग 50% नीचे चल रही है, लेकिन 90% से भी ज़्यादा जो प्राइस है इसका नीचे चल रहा है। और इस वक्त अगर हम प्राइस चेक करते हैं तो एक एसटीए आता है सिर्फ 13 सेंट का। ऐसा नहीं कि $1 का एक एसटी कॉइन है, या फिर $2, $3, इतना महंगा नहीं है। अब मेन चीज़ के ऊपर आते हैं, सबसे बड़ी चीज़ के ऊपर, जो है इसके प्रोडक्ट्स, यानी कि इसके प्रोडक्ट्स का नाम दिया गया कि एसटीए स्कैन है और एसटीए एक्सचेंज है। तो दोनों ही चीज़ें भयंकर रूप से बहुत ज़्यादा स्कैमी हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रॉड है, यानी कि फेक फिगर्स दिखाई गई हैं। तो ये चीज़ आप सामने देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जब हम bitstae.io खोलते हैं, इनका अपना जो एक्सचेंज है एसटीए का, वो खोलते तो यहाँ क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे एक तो ग्राफ दिख गया, इसी के साथ साथ ऑर्डर बुक दिख रही है जिसमें लगातार ऑर्डर्स आते जा रहे हैं। यानी कि ऐसा एक्सचेंज जिसके ऊपर, यानी कि कोई यूज़ कर भी रहा है या नहीं कर रहा, BTC के ऊपर इतने ज़्यादा ऑर्डर्स कैसे पॉसिबल हैं? क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं वजीरेक्स के ऊपर, इतने ऑर्डर्स तो शायद वजीरेक्स के ऊपर भी नहीं आ रहे हैं। उनकी ट्रेड हिस्ट्री देखेंगे तो वो भी यहाँ पे आप देखो कितनी पहले लास्ट ऑर्डर आया हुआ है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 17-15 मिनट 20 मिनट पहले ऐसे बताया जाता है कि इतने मिनट पहले ऑर्डर आया था, लेकिन यहाँ पे लगातार जो ऑर्डर्स आते जा रहे हैं। अब ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है, देखने में पॉजिटिव लग रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारे के सारे ऑर्डर बुक ये बिल्कुल फेक दिखाई जा रही है, मार्केट रेट्स फेक दिखाई जा रही है। अब आपको शायद लग रहा हो कि ये फेक नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 24 आवर्स का चेंज BTC में 400% से भी ज़्यादा, यहाँ पे वैसे 450% से भी ऊपर दिखाया जा रहा है जब मैं चेक कर रहा हूँ। इतना बड़ा 24 आवर्स का चेंज, यानी कि BTC में इतना बड़ा चेंज, अगर इतना बड़ा चेंज आ जाएगा तो आप खुद सोचिए इस वक्त BTC का प्राइस कितना बनता है। अगर $30,000 मानकर चलें तो इसका प्राइस जाएगा लगभग $1,20,000 या फिर इवन $1.5 लाख तक भी जा सकता है, जिस हिसाब से यहाँ पे 24 आवर का चेंज बताया गया है। यानी कि इतना बड़ा प्राइस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो ये टोटली फेक है। इसी के साथ साथ 24 आवर का हाई और लो ये शायद सही है, लेकिन वॉल्यूम आप देखो, वॉल्यूम लगभग 50,000 BTC की बताई गई है। 50,000 BTC एक ऐसे एक्सचेंज के ऊपर जिसको कोई यूज़ भी नहीं करता। वही अभी हम देखें, अगर वजीरेक्स जो कि सबसे बड़ा एक्सचेंज इंडिया का है, हालांकि इसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है, लेकिन अगर मैं इसका BTC USDT का पेयर देखता हूँ तो इसके ऊपर वॉल्यूम कितना है, 0.7 BTC का वॉल्यूम है, यानी कि सिर्फ इतना BTC इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। और अगर हम BTC INR का पेयर देखते हैं तो इसके ऊपर सिर्फ 10 BTC ही ट्रेड हो रहे हैं, यानी कि BTC इतना महंगा है कि यहाँ पे सिर्फ 10 BTC ही ट्रेड हो रहे हैं, और वजीरेक्स के ऊपर ही इतने कम ट्रेड हो रहे हैं। तो आप खुद सोचिए
कि बिट एसटीए एक्सचेंज के ऊपर 50,000 बीटीसी कैसे ट्रेड हो सकते हैं। यानी कि ये डाटा भी फेक दिया हुआ है, पता नहीं कहां से ये डाटा उठाया हुआ है, मुझे ये भी चीज़ समझ नहीं आई है, लेकिन इतना पता है कि ये फेक है। आप इसको किसी भी एक्सचेंज के साथ कंपेयर कर लेना, अभी बाइनेंस के साथ या बड़े एक्सचेंजेस के साथ कंपेयर कर लेना, इतना ना तो वहाँ पे 24 आवर का चेंज होगा बीटीसी में और ना ही इतनी बड़ी वॉल्यूम वहाँ पे होगी। तो ये तो ऐसा मान लो कि जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी बहुत बड़ी कंपनी है जिनके पास इतने ज़्यादा बीटीसी है, बिल्कुल वैसे ही एसटीए के पास इतने ज़्यादा बीटीसी हो सकते हैं जिस हिसाब से ये यहाँ पे सामने दिखा रहे हैं। अब हम इनके दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं जिसका इन्होंने नाम दिया है एसटी स्कैन, यानी कि जैसे कि बीएससी स्कैन होता है, टीआरसी का भी स्कैन होता है, ईथर स्कैन होता है, तो यहाँ पे अलग अलग स्कैन्स होते हैं, स्कैन्स के ऊपर हम ब्लॉकचेन को स्कैन करते हैं। अब मैं यहाँ पे इसकी ऑथेंटिकेशन चेक करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन के लिए लॉगिन करें, लेकिन यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो आप चेक कीजिए कि यहाँ पे जब मैंने ओवरव्यू देखा, जब आप भी ओवरव्यू देखोगे यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, टोटल अकाउंट्स, टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स, टोटल 24 आवर्स की ट्रांजैक्शंस, ये सब कुछ बढ़ती हुई दिखेंगे कि लगातार बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं, और यहाँ पे लगातार जो ब्लॉक्स हैं माइन किए जा रहे हैं, यानी कि ब्लॉकचेन बहुत अच्छे तरीके से रन हो रही है, और एसटी का प्राइस यहाँ पे बताया हुआ है $3, जो कि बनता है 0.0001 बीटीसी, यानी कि इतना बड़ा इसका यहाँ पे बीटीसी का सॉरी एसटी का प्राइस बताया हुआ है, और एसटी की सप्लाई भी यहाँ पे बताई हुई है जो कि 800 मिलियन कॉइन्स की बताई हुई है। लेकिन अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाते हो यहाँ पे आपको कितनी सप्लाई दिखेगी, और जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डाली हुई है, 210 मिलियन एसटीए कॉइन्स, यानी कि आसान भाषा में 21 करोड़ भी इन्होंने बताया कि 21 करोड़ की सप्लाई है हमारे पास, और फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप $23 मिलियन के आसपास है। वेरी इंप्रेसिव, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इंप्रेसिव नहीं है, बहुत अच्छा है, इतना ज़्यादा डॉलर्स में वॉल्यूम होना ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे फिगर्स मैच नहीं हो रहे हैं। मेन बात यह है कि यहाँ पे फिगर्स मैच नहीं हो रहे हैं, एसटी की सप्लाई कितनी बताई हुई है और वहाँ पे कितनी बताई हुई है। अब हम ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे सारी के सारी ट्रांजैक्शंस दिख रही हैं, अच्छी दिख रही हैं, यानी कि अगर हम फर्स्ट इंप्रेशन देखें तो बहुत अच्छा जाता है कि इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, बहुत ही अच्छा ये जो ब्लॉकचेन है अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। इसी में मोस्ट फिशी थिंग जो मुझे लगी है stscan.com/accounts, यहाँ पे जब मैंने खोला यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इन्होंने बर्न किया कितने कॉइन्स, 1.2 बिलियन कॉइन्स को बर्न किया गया है, और टोटल सप्लाई जो कॉइन्स की है वो है 210 मिलियंस, यानी कि 1 बिलियन की तो सप्लाई भी नहीं है, आधा भी बिलियन सप्लाई नहीं है, टोटल सप्लाई से ज़्यादा 1.2 बिलियन की तो एसटीए तो सिर्फ बर्न ही किए गए हैं, और उनकी जो वैल्यू बनती है डॉलर्स में अगर हम देखें $4.8 बिलियन के कॉइन्स ये बनते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा कॉइन्स इन्होंने बर्न किए हैं, और यहाँ पे ये नहीं बताया होगा कब बर्न किए, इतना बड़ा बर्न किया, यानी कि कौन ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो इतना बड़ा बर्न कर देगा, अपनी सप्लाई से ज़्यादा कैसे बर्न कर देगा। आप पहले आप खुद सोचिए कि $4.8 बिलियन का बर्न कोई कर सकता है क्या, आज तक BNB ने इतना बड़ा बर्न नहीं किया, आज तक किसी बड़े प्रोजेक्ट ने, बड़े क्या छोटे बड़े जितने भी प्रोजेक्ट लगा लो, सारे प्रोजेक्ट्स में से किसी प्रोजेक्ट ने इतना बड़ा बर्न नहीं किया, और सप्लाई से ज़्यादा बर्न कभी पॉसिबल ही नहीं है। सप्लाई से ज़्यादा बर्न कर देना यानी कि जितनी सप्लाई उससे 5 गुना ज़्यादा बर्न हो जाए तो फिर मार्केट में क्या बचेगा, मार्केट में कितने कॉइन्स बचेंगे। तो ये सब कुछ मैंने सर्च किया और मुझे मिला है। आपको लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत बताया है नीचे एक बार कमेंट करें, आपकी जो भी सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, एंड होपफुली उसके ऊपर हम और क्लियरली बात करेंगे कि आपने जो बताया और जो मैंने बताया शायद मिसमैच हो जाएं। तो ओवरऑल एक्सचेंज, ओवरऑल ब्लॉकचेन या फिर इनका जो स्कैन है वो दोनों फिशी हैं, दोनों स्कैमी लग रहे हैं मुझे, तो उनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लगा है। एंड मैंने आपको वेबसाइट भी बताया उसके ऊपर किस तरह की मिस्टेक्स हैं, और इनका ट्विटर हैंडल बताया कि इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करी गई है, कि अभी जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो चल रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूज़ जो इसके ऊपर अभी केस हुआ है या फिर इतने ज़्यादा फंड सीज हुए हैं उसकी भी कोई बात नहीं करी जा रही है। लेकिन एक चीज़ मैंने पिछले वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर देखी है कि जो एसटीए की आर्मी है, जो होल्डर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनका बिलीफ बहुत ज़्यादा है कि नहीं एसटीए चलेगा ही चलेगा, और एसटीए आज भी हम होल्ड करेंगे, आगे चल के भी होल्ड करेंगे, उन्होंने ये ऐसा लिखा है, तो शायद अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो भी एक बार चेक ज़रूर करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको MLM में कोई भी नहीं बताने वाला, नेटवर्कर कोई नहीं बताने वाला, ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको क्रिप्टो करेंसीज की समझनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी भी टोकन में इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर आपको थोड़ा बहुत भी शक है कि इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप नीचे कमेंट करें, आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर आएँ, वॉल्फ्टेड डिस्कस के ऊपर आएँ, वॉल्फ्टेड ऑफिशियल के ऊपर आएँ, दोनों लिंक्स आपको टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, जहाँ पर आप खुद हमसे पूछ के उसके बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप छोटी मोटी डिस्कशन तो कर ही सकते हैं, अपने लाइफ का इतना बड़ा अगर डिसीजन लेने जा रहे हैं तो थोड़ी डिस्कशन के साथ आप यहाँ पे एक सही एक्शन ले पाएंगे।
तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन रिसर्च भी हमारी थोड़ी बहुत लंबी रही है, यानी कि मुझे भी एक दो दिन का समय लगा है इसको हर एक चीज़ को डीपली एनालाइज करने का। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें अपने पूरी टीम के साथ, अपने पूरे जितने भी एसटी होल्डर्स हैं उनके साथ भी, ताकि वो भी थोड़ा अलर्ट रहें, अवेयर रहें। एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।